हेलो गाइस, कैसे हो आप? आप सबका स्वागत है फिर से अपने चैनल में। जो अपडेट आ रही है वो आ रही है एलवी यादव की साइड से। एलवी यादव ने एक बार फिर ट्रोल कर दिया अदनान 07 को। होता क्या है, एलवी यादव अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं क्यू एन ए की। उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदनान 07, तो उसी के बारे में वो बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, आइए चलिए मैं आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूँ। अदनान से कब लड़ने जा रहे हो? बहुत भौंकता है बेवकूफ का बच्चा साड़ा। यार ये चीज़ें करनी छोड़ दी मैंने। देखो मैं बराबर वालों से टक्कर लेता हूँ, अपने से कम नहीं। मैं जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है? और वो भी करना छोड़ दिया मैंने। मैं अब सबसे नॉर्मल ही रहता हूँ। आई एम आउट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज, आई एम आउट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स। तो मेरा कोई शौक नहीं है भाई छोटी जगह मुंह मारने का। एंड जो अपडेट आ रही है वो आ रही है विशाल सिंह की साइड से। विशाल सिंह काफी ज्यादा एंग्री रिप्लाई करते हैं एहसास खान को। होता क्या है, एहसास खान विशाल सिंह की जो फ्रेंड है मनीषा रानी, उनको काफी ज्यादा ट्रोल करते थे, तो उसी को लेके एजाज खान पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं विशाल सिंह। वो बोलते हैं भाई सबसे भिड़िए बट यूपी बिहार वाले उत्तर प्रदेश वालों से मत भिड़िए। और बाकी वो क्या क्या बोलते हैं, आइए चलिए मैं आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूँ। हाँ तो एक वीडियो देखा हूँ एजाज खान, तेरा एल्विश और रजत दलाल से हो गया तो अब तू फेम लेने आया यहाँ मनीषा रानी के पास। और अगर तू ये सोच रहा है कि तू बहुत बड़ा गुंडा है बॉम्बे का, तू किसी को भी बोल के रह जाएगा, तो भाई देख मैं भी बॉम्बे में रहता हूँ और मनीषा भी बॉम्बे में रहती है, और अभी तेरा एक केस खत्म नहीं हुआ तो दूसरे केस में पढ़ना चाह रहा। तू वापस अंदर जाएगा ना तब तेरे दिल को तसल्ली मिलेगा और तेरी ये जो मनोकामना है ना वो भी पूरी करेंगे। और जो तू स्क्रीन शॉट की बात कर रहा है ना बेटा, वो तो कोई स्क्रीन शॉट तेरे पास होगा ना होगा मुझे नहीं पता, वो कभी फेमस नहीं होगी। तो उसने एक, तू अच्छा इंसान होगा, लोगों की मदद करता होगा, तो उसने कर दिया होगा मैसेज। लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं यहां पे, तूने उसको क्या मैसेज किया है वो तू देखा। और रही बात तेरा मनोकामना पूरा करने की, तो वो भी करेंगे। तो बंबई में रह के गुंडागर्दी करना और उत्तर प्रदेश वालों से और बिहार वालों से बिल्कुल मत करना, है तो टांग के ले जाएंगे तुझे, तो यहीं पर रह जाएगा, देखता रह जाएगा, तेको इसका जवाब मिलेगा बेटा। तू टेंशन मत ले, कोई तेरे से डरता ना है। आज तेको देता हूं फेम। और देख हम लोग गुंडे नहीं है, हम लोग ना गुंडा मवाली बुला के ए भाई आजा हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे, एक नंबर तीन नंबर पांच नंबर अपन नहीं करते हैं। हम हमारे नॉलेज में और हमारे नजर में सबसे बड़ा गुंडा पुलिस है। जब दोबारा तेको उठा के ले जाएगी ना और जब पड़ेगा डंडा पीछे ना तब तेको समझ में आएगा। तू रुक जा, सबर कर, तू सबर। एंड जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हनी सिंह की साइड से। हनी सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है उनके इंटरव्यू में कि आपको बादशाह एंड रफ्तार के साथ कोलैब देखने को मिल सकता है, वो सीधे मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि एक बार को रफ्तार के साथ तो मिल सकता है बट बादशाह के साथ नहीं मिल सकता। और वो क्या बोलते हैं, आइए चलिए आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूँ। हनी सिंह रफ्तार और बादशाह का कोलैबोरेशन हो, जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले उससे कई ज्यादा रफ्तार ने निकाले, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ, इज अ गुड टैलेंट। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि फोन उठा के क्लियर कर लें कि यार तुमने ये बोला क्यों? सच बात बोलूं आपको मैं जी, उससे मेरे ये गोडे पे हाथ लगाई, कहता बाजी आज के बाद गलती नहीं। उसके 6 महीने बाद उसने फिर मेरे लिए खिलाफ डिस्ट्रैक्ट निकाल दी। मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूँ काम करने का, बट बादशाह नेवर। एंड जो अपडेट आ रही है वो आ रही है नाजिम की साइड से। जैसे कि आपको बताइए कि राउंड 12 की टीम के मेंबर है नाजिम, वो काफ़ी टाइम बाद लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम पे। वो काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं अपने फैंस से, उनको जो बर्थडे विश किया जाता है उनको बारे में बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं, आइए चलिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। सो मेन रीज़न लाइव आने का यही था कि इतने सारे विशेज आए गाइस, बहुत सारे विशेज आए, मतलब मैं रिप्लाई नहीं कर पाया इतने लोगों को, कैसे कर पाता, थैंक यू बोल दूंगा। एंड जितने भी लोगों ने विश करा एंड बधाई दी एंड जो भी आपने रील्स बनाई एंड शॉर्ट्स बनाई और जो पोस्ट डाली उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड पर्सनल मैसेज करी एंड कॉल करी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सबका। एंड जो फैन क्लब्स हैं, ओ हो भाई नाजिम भाई के फैन क्लब्स जो हैं ये मोस्टली तो ये लड़कियां ही हैं ना, मैं उनको देखता हूँ, तो मैं अभी सारी नहीं देख पाया हूँ। एंड अब रात में फ्री होकर एक एक करके सबकी रील्स एंड सारी चीज़ें देखूँगा। एंड नीचे जो विश कर रहे हो, थैंक यू अगेन, थैंक यू, तुम्हारा भाई 1920 से ऊपर हो गया अब।